साजा ये सागर सागर इसके बाद इधर ही अपना राजधानी नगर भोपाल भोपाल में ध्रुपद बाल विरोध और ये इन्हीं का आयोजन होता है। अच्छा ये ध्रुपद समारोह जो है ना ये निबंध समारोह ठीक है। ध्रुपद जो ये कला है ये एक नृत्य की कला है, एक गायन शैली तो होती है। हाँ ये गायन शैली है, इसको क्लास में मुझे बोल रहे थे इस तरह नृत्य शैली है ना। नृत्य शैली कैसे ये शैतान से पहली बावरा जो हमारे ग्वालियर से संबंधित थे पहली बावरा और तानसेनी दोनों प्रसिद्ध थे। मैं सुनकर के मैं तो पहले तो मैंने पूछा कि तुम चेक कर लो क्या, बोले नहीं सर ये क्वेश्चन में आ रहा है के ये अभी जो चल रहा है कौन सा चल रहा है कि स्टूडेंट का एक बोल रहा था कि सर ये ध्रुपद नृत्य से संबंधित निम्न में से कौन सा एक जो है कलाकार है। तो मैंने बोला ध्रुपद तो यार नृत्य से संबंधित विधा है ही नहीं कला की, ये तो एक गायन शैली है और ग्वालियर घराना जयपुर घराना और ये घराने जो है इसके लिए प्रसिद्ध है और खुर्जा कराना तुम लोगों को आर्डन करते पढ़ाया ना मैंने नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ये ध्रुपद के मतलब संगीत के बहुत सारे घराने हैं मैंने उधर पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था ये ध्रुपद जो गायन शैली ये वही विधा है जिसने तानसेन को टक्कर दी थी। किसने बताया था ना मैंने गजी बाबरा की समाधि कहाँ है चंदेरी में गजी बाबरा का असली नाम तानसेन का असली नाम बताओ रामतनु पांडे आगे थे भैजी बावरा कफली नाम भैजनाथ मिश्रा ये भी वाले नहीं किए भैजनी कौन है। तो ये कौन सी शैली गायन शैली इसके अलावा यहाँ एक और कथक समारोह ये है नृत्य शैली कथक के लिए प्रसिद्ध है। ये कथक यूपी से संबंधित माना जाता है इसको जैसे हम पढ़ते हैं ना बहुत सारे डांस फॉर्म पढ़ते हैं भारत में भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मणिपुरी ये सब सारे कथक है यूपी से संबंधित है। इसके अलावा एक और है दुर्लभ कथक और कथकली अलग अलग है हाँ दोनों अलग है ये तीनों कहाँ है भोपाल ये तीनों भोपाल। अब एक और भारत मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत के रहे उस्ताद आमिर खान ये इंदौर से इनका संबंध था। इन्होंने बॉलीवुड की कुछ मूवियों में म्यूजिक भी दिया है उस्ताद आमिर खान। भोपाल से इंदौर उस्ताद आमिर खान समारोह इंदौर। अच्छा ये इंदौर के पास में एक जगह और है देवास हाँ सर गया देवास में क्या प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्या बैंक नोट नोट छपता है यहाँ देवास में इधर लिख देता हूँ ना देवास का देवास में आपने कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा हाँ सर प्रसिद्ध गायक थे शास्त्रीय गायक कालिदास की रचना है सर कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व समारोह देवास अब अपना उज्जैन उज्जैन से संबंधित लोग कहते हैं कि ये भारत के इनको शेक्सपियर कहते हैं
कालिदास को मुझे ये ऐसा बोलने में थोड़ा पीड़ा होती है क्योंकि शेक्सपियर और कालिदास इन दोनों की तुलना नहीं कर सकती। शेक्सपियर पश्चिमी जो सभ्यता है मतलब जो इंग्लैंड यूरोप इंग्लैंड के तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी है जैसे रोमियो जूलियट जो उन्हीं की रचना है ही और जूलियस तो ये उज्जैन से संबंधित है हमारे कालिदास के नवरत्नों में से एक कालिदास समारोह कहाँ है ये उज्जैन उज्जैन यही पर उन्होंने जो हम पढ़ते हैं इनके हालांकि जो सात जो रचनाएं आपने हमने जो पढ़ी है इनसे भी ज्यादा इन्होंने कई रचनाएं की थी। वास्तविकता ये कि इनकी बाकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है मिल नहीं पाई लेकिन उन्होंने उससे भी अधिक रचनाएं करी क्योंकि उसका उल्लेख कहीं ना कहीं और किसी दूसरे इतिहासकार या किसी दूसरे साहित्यकार के उल्लेख में या उसकी रचनाओं में मिलता है लेकिन उनकी वो सात रचनाएं जो है उनके अलावा अपने पास दूसरे तौर पर सीन तो ये कालिदास जो समारोह ये कहाँ होता है उज्जैन। इसके अलावा यहाँ भारत का सबसे बड़ा खजुराहो 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 नृत्य समारोह मेहमानी करने आती है खजुराहो नृत्य समारोह सदापुर खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है जो आपने यामिनी कृष्ण मूर्ति हेमा मालिनी गजन की माला और मीनाक्षी बहने ये जो बहुत प्रसिद्ध नाम है जो शास्त्रीय नृत्य विश्व प्रसिद्ध नाम है इन्होंने सबने अपनी प्रस्तुति यहाँ दी है और आप जानते हैं वहाँ एक जो मंदिरों का जो प्रांगण है जो इसका खजुराहो का मंदिरों का जो बचे हुए जो मंदिर है उनका तो उसमें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है कांदरिया महादेव कांदरिया महादेव मंदिर के निकट ही समीप ही इसका एक मंच का इसका आयोजन किया जाता है और वहाँ क्या है दर्शक दीर्घ बनाई जाती है बैठने के लिए बहुत बड़ा स्थान है तो वहाँ पर इसकी प्रस्तुति होती है जगह भी काफी है जगह भी होगा जब इसका एड करते तो पीछे जो मंदिर दिखता है वो कांदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर इसी को वो दिखाया जाता है कांदरिया ये खजुराहो नृत्य समारोह सदर इसके अलावा ये जबलपुर जबलपुर में यहाँ से प्रसिद्ध थी सुभद्रा कुमारी समारोह अरे वो तो मैंने की यार नाकलनाथ चतुर्वेदी की इसके अलावा अपने मध्य प्रदेश में एक स्थान ऐसा है जिसको बोलते हैं संगीत नगरी कौन सा है उस्ताद अलाउद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन किधर है ये मैहर यानी सतना सतना जिला कौन सा हो गया सतना
अबे 10 मिनट की तो हो गई है। मैहर का शाब्दिक अर्थ है माई का हार, माँ का हार, इसका मतलब है मैहर, यानी जो वहां पर्वत श्रेणी है विंध्य की, तो उसी पर्वत श्रेणी में जो एक एक बाकी से थोड़ा सा हट कर पर्वत की चोटी है उसे यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत यही है, उस पर ये माँ शारदा की मूर्ति विराजित है। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खान, यद्यपि ये कि मुस्लिम थे, इस्लाम से संबंधित थे, उसके बावजूद भी इनके दिल की शुरुआत माँ के दर्शन से होती थी, क्योंकि शारदा माँ को हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि संगीत और ये शिक्षा से संबंधित जो देवी जो हम बोलते हैं वो माँ शारदा को ही बोलते हैं। तो उनका वो हमेशा चिंतन किया करते थे, रोज सुबह जाते थे मंदिर और दर्शन करते थे और अपना शारदे माँ की साधना करते हैं। आज भी उनके द्वारा स्थापित किया गया मैहर बैंड यही प्रसिद्ध है, बहुत वहाँ पर है मैहर स्कूल ऑफ म्यूजिक भी वहाँ है, उनके द्वारा स्थापित किया गया। ये है हमारे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समारोह। इसके अलावा भगोरिया उत्सव है, तो भगोरिया उत्सव नहीं झाबुआ, केवल झाबुआ से अगर आप इसको बांध करके रखोगे तो आपका जवाब सही नहीं। ये बड़वानी में भी होता है, भगोरिया का आयोजन वहाँ होता है, अलीराजपुर में है, अरे कौन जा रहा है, हाँ इधर भी होता है। अरे हिला रहा है नहीं जब चित्रकूट में समारोह का आयोजन किया जाता है, चित्रकूट समारोह सब चित्रकूट उत्सव होता है, तो वो चित्रकूट जो है जिला उसका क्या होता है सतना जिले में पड़ता है, चित्रकूट उत्सव सतना, चित्रकूट नाम से एक जिला भी है लेकिन ये यूपी में है। इसके सबसे निकटस्थ जो स्टेशन है वो यूपी में पड़ता है करवी, करवी स्टेशन जब आप यहाँ जैसे जाए दर्शन करने के लिए, तो मैंने जैसे बताया था ना कि भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के लगभग 11.5 वर्ष उन्होंने यही व्यतीत किए, उसके बाद जो आगे उन्होंने भ्रमण किया उसके ये किष्किंधा कांड वगैरह जो है, लंका कांड जो है, ये सब बाकी के 3.5 वर्ष के जो ये घटनाएं सब हुई। किष्किंधा कहाँ है पता है आपको? किष्किंधा किष्किंधा के कौन थे राजा उसके मतलब मतलब रामायण में जो लड़ने थे किष्किंधा वो थे नरेश थे कौन बाली पहले थे बाली 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 मगर वो उनके भाई जो सुप्रीमी वर्तमान में आज ये स्थान कर्नाटक के हम्पी है ना, मैं पहले ही बता था कि जो हम्पी है वही किष्किंधा वाला क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में वानर राज उनका जो मार्ग है यही नंदगारा ने होते हुए फिर यहाँ से महाराष्ट्र में नाम से होते हुए उधर से नीचे चले गए फिर वहां से लंका रावण भी श्रीलंका का वहां पे थोड़े ना जन्म हुआ, रावण का जन्म भी वही हुआ था दिल्ली के कहीं के गांव में हुआ। हाँ सर उधर भी पूजा होती है सर, पातालकोट में भी तो होती है रावण की पूजा। अभी एक खंडवा में माता लाल से पूछे थी कल बनाई थी हाँ तो सरी सर चमक जाएगी। महाकालाल चक्रवर्ती समारोह कहाँ पर है? खंडवा। इसे याद रखना क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसका रीजन ये है कि महाकालाल चतुर्वेदी का संबंध हम समझ है इनका समझते क्या है, वास्तविक संबंध इनका जो है होशंगाबाद से है, लोग बात समझते हैं जो ये समारोह ये होशंगाबाद में आयोजित होता होगा लेकिन ऐसा नहीं, ये खंडवा में इनका इसका आयोजन कहा जाता है खंडवा। अब इसके अलावा एक मध्य प्रदेश उत्सव होता है,
दिल्ली में, दिल्ली में हाँ, इसीलिए इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, बोलने वाला था समारोह इसको यहाँ एरो लगा करके यहाँ पर बना देता हूँ दिल्ली, पड़ेगा दिल्ली नई दिल्ली, तो इसको हम याद रखेंगे। याद रखोगे ये क्यों लिखा है मैंने, उत्सव मध्य प्रदेश, उत्सव नई दिल्ली, मध्य प्रदेश से बाहर लिखा है, तो इसको ये याद रखें, ठीक है, हो गए। एक और है बाल कृष्ण शर्मा नमी शाजापुर, बस ये लास्ट। बालकृष्ण शर्मा नवी समारोह में लिख देता, ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, याद रखना, नोट कर लो इनको।